देश में लॉकडाउन के बाद लोगों के कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोग घर कैसे चला इसकी भी चिंता है लोगों को, जो लोग जमाने से एक ही कारोबार करते आ रहे हैं, पर इस लॉकडाउन में उस काम का ना चलना और घर को चलाने के लिए लोग अलग हटकर कुछ काम कर रहे हैं, तो कहीं कुछ लोगों की छुपी हुई प्रतिभा भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक नजारा उन्नाव जनपद के शुक्लागंज गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के रविदास नगर में रहने वाले मोहम्मद समीर की लॉकडाउन के चलते छुपी प्रतिभा सामने आई है। मोहम्मद समीर लॉकडाउन के चलते घर में खाली बैठे उनको यह ख्याल आया कि कुछ नया करे, तो उन्होंने घर की पुरानी लकड़ियों को उठाया और अपने दिमाग से नए नए चीजों का बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया जिसमें छोटा सा जीना दरवाजा भी लगे हुए हैं, साथ ही उसमें खिड़की व कुंडी भी है और मोर व तोप भी बनाया है। मोहम्मद समीर ने बताया कि वह होजरी का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है और वह घर में ही है, घर के बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्होंने बताया कि बहुत सी चीजें लकड़ी की बनाई है। उन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन में अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का मौका मिला और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी चीजें घर में रहकर बना रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा समय का उपयोग कर रहे हैं। पेश है उन्नाव से सहबान मलिक की खास रिपोर्ट। लॉकडाउन में असल में लॉकडाउन रहा और मतलब कहीं जाने को नहीं मिला और मेरे दिमाग में आया कि कुछ लॉकडाउन में पालन करना चाहिए और घर का मॉडल बनाने के लिए सोचा मैंने। उसके बाद में मैं लकड़ी लाया खेत से लकड़ी ला करके मैंने इसको धीरे धीरे तैयार किया। कम से कम अभी एक महीना हो गया है, अभी तैयार नहीं हुआ, लकड़ी भी बाकी है और लोग तकलीफबाजी ले रहे थे कि तैयार नहीं कर पाएगा, ये क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, बहुत लोगों ने तकलीफ ली, मगर अल्लाह का शुक्र है मैंने ये कंप्लीट किया। अभी थोड़ा काम बाकी है पीछे का, अभी सामने काम हो गया है और पीछे काम बाकी है। अब गरीब है, कुछ आगे काम करने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारा काम रुका हुआ पीछे का, तो अगर अगर बिक जाता तो हम कुछ मतलब आगे काम बढ़ाते। आपने अभी तक क्या क्या बनाया है? जी मैंने खाली एक सारस बनाया और ये घर बनाया तो बनाई। अच्छा जी, और मोर भी है वो रखा है। किस प्रकार का संदेश दे रहे हो लोगों को, क्या संदेश देना है? संदेश ये क्या दे रहे हैं कि मतलब जैसे हम गरीब हैं, हम कोई काम धंधा चल नहीं रहा है, बस हम सोच रहे हैं कि अगर ये बिक जाएगा तो हमारा कुछ खर्चा अर्चा चलेगा। हम बहुत गरीब, रोटी एक दिन मिल रही है एक दिन नहीं मिल रही है, काम धंधा चल नहीं रहा है, लाठी डंडे अलग से चल रहे हैं, जाने को मिल नहीं रहा, यही चीज है सर। आपका खुद का घर है या किराए पर रहते हैं? किराए पर रहते हैं फिलहाल। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आपकी किस तरह की मदद करे सरकार? सरकार अगर कुछ पैसा मिल जाता तो कुछ हम आगे बना के उनको और भी तोहफे देते, जैसे तोहफे देते अनोखे जो खुद सरकार हमको सरकारी नौकरी देते। अच्छा ये बताइए, आपके इस काम में आपके घर वाले भी सहयोग करते हैं? जी नहीं, अकेले ही अपनी मेहनत से बनाते रहते हैं। घर वाले पापा हैं मम्मी हैं सब हमारे दोनों भाई हैं। अच्छा ये बताइए, आपका लड़का ये कलाकृतियाँ बनाई है, ये बना रहे डिजाइन बना रहे, इसमें क्या सहयोग है, किस प्रकार से बना रहे? एक दिन हमसे कहने लगा, कहने लगा कि जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं और बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो कहने लगे कि हम कुछ बनाएंगे, तो ये लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, इकट्ठा करके उसके बाद ये बनाना चालू कर दिया। आज एक महीना हो रहा है, कम से कम डेढ़ महीना बनाते हुए इनको, मगर अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो हमने कहा कि जो है इनको जो है बना करके और थोड़ा सा बेचा जाएगा तो कुछ पैसा आएगा, कुछ खर्चा चलेगा अपना, क्योंकि परेशानियां ज्यादा चल रही लॉकडाउन में, लॉकडाउन खुले तो थोड़ा बहुत काम धंधा चले, कोई काम धंधा चल नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशानियां चल रही है, पैसों के परेशान है इतने टाइम, और मोदी जी जो है कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशानी है। उनका कहना है कि हम सहायता कर रहे हैं, यहाँ किसी गरीबों की सहायता नहीं हो रही, सारा गरीब परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है, मगर कोई अभी तक सहायता नहीं दिख रही है किसी चीज की। क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार की सहायता, क्या चीज है सरकार की योजनाएं, सरकार ने कहा नंबर